लिटिल इंडिया। लिटिल इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में मतलब क्या है, हमारे पास इस इलाके से जुड़ी दिलचस्प जानकारी है। लिटिल इंडिया सिडनी में नंबर वन। हैरिस पार्क का नाम अब लिटिल इंडिया रखा गया है। यहां की आबादी 6 लाख है, भारतीय यहां 45% है। यहां कारोबारियों की बात करें तो 90% इंडियन है और भाषा गुजराती या हिंदी है। ऑस्ट्रेलिया की 2021 की जनगणना के मुताबिक इस देश में 6,70,000 भारतीय हैं। अनुमान के मुताबिक साल 2035 तक ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों की संख्या 10 लाख से अधिक हो जाएगी, तब लिटिल इंडिया का महत्व और बढ़ जाएगा। कह सकते हैं कि शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया IPM के साथ लिटिल इंडिया की आधारशिला रखी। अपने भाषण में लिटिल इंडिया का जिक्र भी किया। हमारे यहां खाना बनाने का तरीका भले अलग अलग है, लेकिन अब मास्टर शेफ हमें जोड़ता है और यही वजह है कि पैरा माटा स्क्वायर किसी के लिए परमात्मा चौक बन जाता है। और हैरिस पार्क कई लोगों के लिए हरीश पार्क हो जाता है। वैसे मैंने सुना है कि हैरिस पार्क में चटका की चाट, जयपुर स्वीट्स की जलेबी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। पीएम मोदी ने आज सिर्फ भारत और ऑस्ट्रेलिया की बात की, फिल्म से लेकर क्रिकेट और लखनऊ की चाट से लेकर जयपुर की जलेबी तक का जिक्र किया। लेकिन इस बीच उन्होंने इशारों इशारों में चीन के लिए बड़ी बात कह दी। कुछ ऐसा कहा कि ऑस्ट्रेलिया से 8,000 किलोमीटर दूर चीन बेचैन हो उठा। ये रिपोर्ट देखिए। सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच दमदार दोस्ती देखने को मिली। कभी पीएम मोदी अल्बनीज से गर्म जोशी से हाथ मिलाते दिखे, तो कभी अल्बनीज पीएम मोदी के कान में कुछ कहते नजर आए। मोदी कभी अल्बनीज को गले लगाते दिखे, तो कभी अल्बनीज पीएम मोदी का हाथ पकड़कर नई ऊंचाइयों को छूते दिखे। कहने को पहली नजर में कह सकते हैं कि ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कूटनीतिक रिश्तों में नई गर्माहट थी, लेकिन इसका असर 8,000 किलोमीटर दूर बीजिंग में देखने को मिला। वहां से कोई बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन तिलमिलाहट को ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान दोनों मित्र देशों ने महसूस किया। असल में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में हिंद महासागर का जिक्र किया था। कहा था कि भारत ऑस्ट्रेलिया में भौगोलिक दूरी भले हो, लेकिन हिंद महासागर दोनों देशों को जोड़ता है। हमारे बीच भौगोलिक दूरी जरूर है, लेकिन हिंद महासागर हमें आपस में जोड़ता है। हमारी जीवन शैलियां भले अलग अलग हो, लेकिन अब योगा ये भी हमें जोड़ता है। चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। हिंद महासागर में उसकी विस्तारवादी चालाकियों से दुनिया परिचित है। क्वाड का गठन भी इस इलाके में बीजिंग को काउंटर करने के लिए ही किया गया। क्वाड में ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों शामिल हैं। ऐसे में जब पीएम मोदी सिडनी में हिंद महासागर का जिक्र कर रहे थे, तो बीजिंग को मिर्ची लगना स्वाभाविक था। ठीक उसी तरह जैसे कुछ दिन पहले हिरोशिमा में हुई क्वाड की बैठक में भारत ने चीन को दो टूक कहा था कि इस इलाके में उसकी दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।